भाई ओ भाई देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की तबीयत बिगड़ते हुए और यहाँ पर गर्मी इतनी है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से। अच्छा अब बैठिए एक बार हमारे साथ पुरकाजी विधानसभा से पुरकाजी के विधानसभा अध्यक्ष टीकम बोध जी पहुंच चुके हैं। मान्य साथियों क्रांतिकारी जय भीम जय भीम आर्मी समस्त मुजफ्फरनगर की टीम से मैं आशा उम्मीद करता हूं कि जो देवबंद में कासिमपुरा गांव है वहां बाईपास है सभी लोग मुजफ्फरनगर के वासी यहां पर आए क्योंकि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। जय भीम आर्मी समाज जिंदाबाद।
तरीके से बढ़ती फोर्स देखे किस तरीके से इस गाड़ी को इस किसी एक कॉलेज है जिसमें अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है पुलिस प्रशासन। साथियों, पुलिस के कुछ सूत्रों से पता लगा है कि इस कॉलेज में जबरदस्त इस कॉलेज में घुसाने का काम कर रहे हैं। सूचना ही है कि चंद्रशेखर आजाद जी की तबीयत बिगड़ते हुए और वो आज बहुत चुकी है पूरी तरीके से। देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की तबीयत बिगड़ते हुए और यहाँ पर गर्मी इतनी है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से तबीयत बिगड़ती है और किस तरीके से यहाँ पर नहीं चौक हो जाएगा, वो चौक रहे हैं, गले में अटक जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर साइड में जाओ, थोड़ा थोड़े आवाज़ें कर दो, साइड में जाओ यार, पानी डालो इस पर।
पानी डालते रहो, पानी डालो, कोई नहीं, अगर उल्टी आ रही है तो उल्टी कर लेना, उल्टी आ रही है तो उल्टी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से, आराम से पानी डालो ना इसमें, बॉटल डाल दे, बॉटल पानी डालो, बैठ जाओ यहाँ भाई, ठीक है मेरी शर्ट डाल यहाँ से, हम आ गया मनीष से भैया, इधर ये ना देख मेरे भैया, भाई इधर को आ दियो, उल्टी हो रहा है, रोटी हम कर दीजिए, उल्टी हो रहा है तो आराम से कर लीजिए, एडमिट करो पीछे थोड़ा इसको करो, ओए भाई भैया सांस में तो दिक्कत नहीं हो रही, सांस में जल्दी, हाँ अपनी गाड़ी आ गई, अपनी में लेके जाने, अरे हवा में पीछे से भी हटो, चीट कर दो भाई, बिल्कुल चीट कर दो, चीट भाई फोन कर दो, देवबन आ जाओ देवबन आ जाओ, सब लोग देवबन, एक मिनट, एक मिनट, दो मिनट इनको थोड़ा सांस लेने दे, थोड़ा दो मिनट सांस लेने दे, यात्रा निकल के रहेगी, 15 तारीख को दिल्ली में जवाब देना पड़ेगा, 15 तारीख में बहुजन समाज बताएगा ना दिल्ली में, पानी डालिए ना इसमें, दूसरे ना दिखाओ, ठीक है क्या थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नीचे चलो थोड़ा, लोगों को इधर से निकालिए, इधर कह दो ये चले जा रहा है, और टिकम है, टिकम से ऐसे ही कह रहा हूँ, अरे भाई 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 मेरे हिसाब से भैया इधर पर आए थे, इधर की हवा चली ना वहाँ वाले, क्योंकि यहाँ तो इसकी आड़ लग रही है, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से नहीं जाएंगे, ये मानेंगे तुम्हारे शुरू हो गए, तुमने गलती की, जो तुमने किया है ना, गलती की है ना, जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा, आप लोगों को कोई चिंता, जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा भाई, वहाँ पे अब उनको सोने दो, ऊंचाई में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन, सर नीचे रहना पड़ेगा, पैर ऊपर रहना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो जो है दिमाग में जाना पड़ेगा, लेके चले ऐसे ऐसे गोद में भी सुनाइए, कमल भाई थोड़ा सा ये हट दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन हो जाए भाई, भाई थोड़ा प्रॉब्लम, नहीं लड़ेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे, Thank you.
नहीं, आप अपना तबियत का कैसा आपको लग रहा है आप तुरंत बताइए। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं नहीं बोला तुरंत ले जाइए, मैं बता रहा हूँ जो भी आपका महसूस हो रहा होगा बताते रहिए, क्योंकि हम लोगों को पता चलना चाहिए ना। एक चीज़ जो कह रहा हूँ, हो सकता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, आपको पता ही आप नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दो बस। पहले प्लान करते हो मारने का, फिर एडवाइस देते हो उसने ले जाओ। आनंद हॉस्पिटल मेरठ लेकर जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।